आज हम बनाने वाले मटर टमाटर सब्जी, ये रेसिपी दो जनों के लिए। वेलकम टू माय चैनल। मैंने एक कटोरी मटर लिया है, एक हरी मिर्च, एक प्याज और एक बड़ा टमाटर लिया है। हरी मिर्च को मैं ऐसे ही स्लिट कर लूँगी, बड़ा कट कर लूँगी। उसके बाद मैं जो प्याज है उसे मैं बारीक चॉप कर दूँगी। आप आपके हिसाब से थोड़ा बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं। अनियन चॉप करने के बाद मैंने टमाटर को भी बारीक चॉप कर लिया। वैसे भी अपने हिसाब से कट करें, जितना साइज रखना है उतना रखिए। मैं गार्लिक यूज़ नहीं कर रही हूँ, आपको अगर करना है तो आप गार्लिक यूज़ कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है, इसे 10 मिनट्स भी नहीं लगते और उतनी ही ज़्यादा टेस्टी भी। लेस इंग्रेडिएंट्स वाली रेसिपी हमेशा बहुत अच्छी बनती है। मैंने इसके लिए 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। फिर मैंने हींग ऐड किया और 1 टीस्पून राई ऐड करी। फिर करी लीव्स ऐड कर दी और जो हरी मिर्च थी वो ऐड कर दी, साथ ही साथ प्याज भी ऐड कर दिया। इस टाइम पे आप फ्लेम थोड़ा सा लो रखें। फिर अच्छे से मिक्स किया और इनमें मैं मटर ऐड कर दूंगी। मटर ऐड करने के बाद 2-3 मिनट तक इसको ऐसे ही सॉटे करूंगी। उसके बाद इसमें मैंने नमक ऐड किया 1 टेबलस्पून, आप आपके हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हल्दी ऐड की 1/2 टीस्पून और 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 टेबलस्पून ही रेड चिली पाउडर। कोरिएंडर पाउडर और रेड चिली पाउडर का मेजर दोनों सेम ही रखें। इस टाइम पे लो फ्लेम को लो रखें ताकि मसाला जल नहीं जाए और साथ ही साथ टमाटर भी ऐड कर दें। टमाटर डालने के बाद अच्छे से चलाएं और 1-2 मिनट तक चलाने के बाद उसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून क्यूमन सीड्स पाउडर ऐड करें, जो कि ये जीरा पाउडर, इससे टेस्ट इसका एनहेंस हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। अब इसे अच्छे से पकने दें 4-5 मिनट के लिए। और लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दें। आज सब्जी इज डन। लास्ट में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड इसलिए किया है क्योंकि इसका सॉसी टेक्सचर ही अच्छा लगता है, अदरवाइज़ ये सब्जी आपको सूखी सूखी लगेगी।